नमस्कार दोस्तों, कोरोना वायरस, इकोनॉमिक रिसेशन, साइक्लोन और अब टिड्डियों का हमला, इंग्लिश में कहें तो लोकस्ट अटैक। एक मुसीबत खत्म होती नहीं, यहां पर एक और आकर खड़ी हो जाती है। तो क्या है ये टिड्डियां, क्यों हम पर हमला करने लग रही हैं, क्या रीजंस हैं इसके पीछे? अब दोस्तों, कुछ लोगों को हमारे देश में लगता है कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान ने ये टिड्डियों को आतंकवादी बनाकर हिंदुस्तान में भेजा है और ये टिड्डियां बेसिकली पाकिस्तान की तरफ से एक कंस्पिरेसी है। मजाक नहीं कर रहा, सुनिए जरा। ऐसे कमजोर और कायर पाकिस्तान से पूछता है सारा भारत दोस्तों कि क्या आतंकियों के बाद भारत में टिड्डियों वाली साजिश कर रहा है पाकिस्तान? तो पाकिस्तान अब टिड्डियों को आतंकी बनाकर भारत भेज रहा है। और क्या पाकिस्तान से लड़ने के लिए फौज नहीं, टिड्डियों के सहारे है पाकिस्तान? ये सवाल सिर्फ मैं नहीं, आज पूछता है सारा भारत। मतलब कोई अर्णब गोस्वामी से यहां पर पूछे कि ये साजिश काम कैसे करती है? कैन टिड्डियों पर कोई नैनो जीपीएस चिप लगा हुआ है जिसे इमरान खान बैठ के एक रिमोट कंट्रोल से हिला रहे हो कि अब देखो टिड्डियों को हम यहां भेजेंगे, अब यहां भेजेंगे, कैसे काम करेगी? मुझे तो हंसी आती है दोस्तों सोच कर कि अर्णब गोस्वामी जैसे लोग अपने टीवी व्यूअर्स को बिल्कुल ही बेवकूफ समझते हैं कि मतलब हम जो भी बकवास करेंगे व्यूअर्स तो उसे मान लेंगे सच। हद है मतलब। लेकिन खैर, अपने टॉपिक पर वापस आते हैं और जानते हैं आज की वीडियो में दोस्तों कि लोकस्ट अटैक्स के पीछे क्या एक्चुअल रीजंस हैं और क्या इनोवेटिव सॉल्यूशंस दुनिया भर में यूज किए जा रहे हैं इसको काउंटर करने के लिए, जिससे हम कुछ सीख सकते हैं। आइए देखते हैं। पहले हम थोड़ा लोकस्ट के बारे में जान लेते हैं। लोकस्ट एक ऐसा इंसेक्ट है दोस्तों जो ग्रास हॉपर और क्रिकेट इंसेक्ट से काफी सिमिलर है। इनफैक्ट ये तीनों इंसेक्ट सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं। लोकस्ट आमतौर पे डेजर्ट के रीजन्स में पाए जाते हैं और खास बात यह है इसके बारे में कि एज कंपेयर टू ग्रास हॉपर और एज कंपेयर टू क्रिकेट, ये दो फेजेस में एग्जिस्ट करता है। दो रूप है इसके जो कि ग्रास हॉपर और क्रिकेट में नहीं होता नॉर्मली। रूप क्या है इसके कि जब ये अकेला मौजूद होता है तो ये कुछ ऐसा दिखता है, इसे कहा जाता है सॉलिटरी फेज। लेकिन अगर ये क्राउड में मौजूद होते हैं और एनवायरमेंटल कंडीशंस अगर सही होती हैं, जैसे कि बारिश हुई है अभी और सॉयल वेट है, पेड़ पौधे उगे हुए हैं, तो ये कुछ अपना पूरा रूप ही बदल डालते हैं, ये ऐसे दिखते हैं। फिर इसे कहा जाता है ग्रेगेरियस फेस। और ये जो रूप बदलना है इनका दोस्तों, इसमें सब कुछ बदल जाता है, इनके बिहेवियर, इनकी हैबिट्स, इनकी अपीयरेंस, सब कुछ अलग है सॉलिटरी फेज में और ग्रेगेरियस फेज में। तो एक तरह से ये समझ लो कि बेसिकली पोकेमोन का जैसे एवोल्यूशन होता है, उसी तरह से ये विकसित हो जाता है एक दूसरे फेज में अगर एनवायरमेंटल कंडीशन सही होती हैं तो। तो सॉलिटरी फेज वाले से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम होती है जब ये क्राउड में एग्जिस्ट करते हैं और ये ग्रेगेरियस फेज के होते हैं, ये येलो और ब्लैक कलर के दिखते हैं। ग्रेगेरियस फेज में इनकी ईटिंग हैबिट्स बदल जाती हैं, ज्यादा खाना खा सकते हैं, ज्यादा वैरायटी का खाना खा सकते हैं, इनकी एंड्योरेंस बढ़ जाती है, इनकी मूवमेंट ज्यादा रैपिड हो जाती है और यहां तक कि इनका ब्रेन का साइज भी बड़ा हो जाता है। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये सॉलिटरी फेज से ग्रेगेरियस फेज में कभी भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन देयर लाइफ, एज लॉन्ग एज एनवायरमेंटल कंडीशन उसके लिए सही है। तो एनवायरमेंटल कंडीशन क्या होनी चाहिए कि बारिश हुई हो अभी और सॉयल मॉइस्ट हो और आसपास बहुत सारी वेजिटेशन मौजूद। और ग्रेगेरियस फेज में ही टिड्डियों के झुंड बनते हैं, इनके स्वॉर्म्स क्रिएट होते हैं और ये स्वॉर्म्स जहां से भी गुजरते हैं सब डिस्ट्रॉय कर देते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया इनकी ईटिंग हैबिट्स इतनी ज्यादा बदल जाती हैं कि ऑलमोस्ट हर चीज खा सकते हैं। लीव्स, शूट्स, फ्लावर्स, फ्रूट, सीड्स, स्टेम्स, बार्क सब खा सकते हैं। ऑलमोस्ट हर टाइप का क्रॉप, नॉन क्रॉप, चाहे आपके गेहूं हो, घास हो, कोई फ्रूट ट्री हो, डेट पाम्स हो, सब खा सकते हैं। तभी जहां से गुजरेंगे वहां पर पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन हो जाती है। एक टिड्डियों का झुंड, एक स्वॉर्म आखिर कितना बड़ा हो सकता है? कीनिया में दोस्तों जो 2020 में स्वॉर्म पाया गया था वो 40 किलोमीटर बाय 60 किलोमीटर डायमेंशन का था। तो एक रेक्टेंगल बना लो 40 किलोमीटर 60 किलोमीटर लेंथ का, इतना बड़ा एक झुंड हो सकता है। और एक एक झुंड में दोस्तों 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर अंदर कितने 150 मिलियन से ज्यादा लोकस हो सकते हैं। और एक झुंड एक दिन में इतना खाना खा सकता है जितना 2500 लोग खा सकते हैं। तो आप स्केल सोच सकते हो इसका कितना बड़ा है, कितनी ज्यादा इससे डिस्ट्रक्शन हो सकती है। और इसी रीजन से दोस्तों कहा जाता है कि टिड्डियां एक ऐसी एनिमल स्पीशीज हैं जिसका इकोनॉमिक इंपैक्ट सबसे ज्यादा है पूरी धरती पर एज कंपेयर टू एनी अदर एनिमल स्पीशीज। आप देख सकते हैं किन रीजन्स में होती हैं, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और पाकिस्तान और जो वेस्ट इंडिया का पार्ट है, यहां पर डेजर्ट ज्यादा मौजूद है तभी वहां पर ज्यादा पाई जाती हैं और यहां इन्हीं एरियाज में इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन करती हैं। आज के दिन जो टिड्डियों का हमला हो रहा है हमारे देश में, पिछले 27 इयर्स में वर्स्ट लोकस्ट अटैक है जो देखा गया है इंडिया में। आखिरी बारी 1993 में इतनी बुरी हालत हुई थी, लेकिन ये कोई रीसेंट चीज नहीं है दोस्तों। थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री
हजारों सालों से ये लोकस्ट अटैक्स होते आ रहे हैं। यहां तक कि एंशिएंट इजिप्शियंस ने भी अपने टूम्स में लोकस्ट को ड्रॉ किया था, जिससे पता लगता है कि उस जमाने में भी लोकस्ट अटैक्स होते थे। उन टूम्स की डेट इन्होंने देखी गई है कि 2400 BC के अराउंड। इसी रीजन से दोस्तों कई रिलीजियस टेक्स्ट में भी इन्हें मेंशन किया गया है, जैसे कि बाइबल में, कुरान में लोकस्ट प्लेग्स का मेंशन किया गया है। और कहा जाता है, माना जाता है कि बाइबल में जिस लोकस्ट प्लेग का मेंशन किया गया है वो एक्चुअली में रियलिटी में इजिप्ट में हुआ था इन अराउंड 1400 BC। तो एक बहुत ही पुराने जमाने से चली आ रही प्रॉब्लम है। लेकिन आज जो लोकस्ट अटैक हो रहा है दोस्तों, इसके पीछे इनडायरेक्टली क्लाइमेट चेंज को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। एग्जैक्टली कैसे हुआ ये, इसका सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इंडियन ओशन है वो ज्यादा गर्म हो रहा है, और ओशन गर्म होने की वजह से बारिश और ज्यादा एक्सट्रीम हो जाती है। तो ईस्ट अफ्रीका में जो लेट 2019 का टाइम था, दिसंबर 2019 के अराउंड, बहुत तेज बारिश आई, इनफैक्ट फ्लड्स भी आए। ईस्ट अफ्रीका में क्या आता है, कीनिया, युगांडा, इथोपिया, सोमालिया, इन कंट्रीज में बहुत बुरे फ्लड्स आए थे दिसंबर 2019 में। आप देख सकते हैं कितने लोग अफेक्ट हुए इन फ्लड्स से। फ्लड्स की वजह से, इतनी तेज बारिश की वजह से राइट एनवायरमेंटल कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं लोकस के लिए। जैसा वीडियो में मैंने पहले आपको बताया था, मिट्टी वहां पर मॉइस्ट होगी, इतनी सारी वेजिटेशन होगी आसपास इतनी बारिश की वजह से, तो लोकस के लिए ब्रीडिंग का बहुत अच्छा मौका है और ग्रेगेरियस फेज में बदलने का बहुत अच्छा मौका है। तो बहुत ही बड़ी संख्या में लोकस ब्रीड किए वहां पर, और एक प्लेग आ गया ईस्ट अफ्रीका में। तो फरवरी 2019 के अराउंड ईस्ट अफ्रीका में एक बहुत बड़ा प्लेग आया लोकस का। उसके बाद ये जो लोकस्ट का झुंड था, टिड्डियों का झुंड था, ये ईस्ट की तरफ गया, उसके बाद ईरान में आया, ये पाकिस्तान में आया, और अब मई तक आते आते ये प्लेग इंडिया की तरफ आ रहा है। ऊपर से अभी जो बंगाल में साइक्लोन आया था, उस साइक्लोन की जो विंड्स थी वो इस तरह से इस डायरेक्शन में ब्लो कर रही थी कि वो इस टिड्डियों के झुंड को और इंडिया की तरफ ले आ रही थी। नॉर्मली इतना आता नहीं, लेकिन उस साइक्लोन की वजह से और भी ज्यादा इस डायरेक्शन में आ रहा था कि आज के दिन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा में इससे एक बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तो अब सवाल यहां पर ये उठता है कि क्या सॉल्यूशंस हैं इस लोकस्ट प्लेग से फाइट करने के। पहला और सबसे कॉमन सॉल्यूशन जो आज के दिन ज्यादातर कंट्रीज में अपनाया जाता है वो ये है कि सिंपली आप पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड छिड़क दो इनके ऊपर, या तो ग्राउंड पर या हवा में हेलीकॉप्टर से जाकर आप पेस्टिसाइड छिड़क दो और ये मर जाएंगे। अब इस सॉल्यूशन में प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि इसके काफी नेगेटिव इंपैक्ट होते हैं। पेस्टिसाइड छिड़कने से इन जनरल एनवायरनमेंट पर एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, लोगों पर, लोगों के खाने में और बाकी चीजों में भी एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, और आपको बहुत भारी मात्रा में पेस्टिसाइड छिड़कना पड़ता है जिससे कि आपको कोई इफेक्ट दिखे। दूसरा सॉल्यूशन ये हो सकता है कि आप इको फ्रेंडली पेस्टिसाइड्स को इस्तेमाल करो, लेकिन एक्सपर्ट्स ने देखा है दोस्तों कि इको फ्रेंडली पेस्टिसाइड्स में जो एनवायरनमेंट पे इन जनरल हार्म नहीं पहुंचाते, उन पेस्टिसाइड से ये इतनी जल्दी नहीं मरते, उनको इफेक्ट होने में कुछ टाइम लगता है, तो इतने इफेक्टिव नहीं होते वो। तीसरा ये है कि आप शोर का इस्तेमाल कर सकते हो, किसी भी तरह की नॉइज से लोकस दूर भागते हैं। डीजे बजा लो, लाउड स्पीकर पे म्यूजिक बजा लो, या किसी भी तरह का शोर मचाओ तो ये दूर भागेंगे। ये एक ऐसा सॉल्यूशन है दोस्तों जो हमारे किसान भाइयों ने इंप्लीमेंट भी किया। लेकिन प्रॉब्लम इस सॉल्यूशन की बड़ी ऑब्वियस है, ये सिर्फ एक शॉर्ट स्केल पर ही इंप्लीमेंट किया जा सकता है, और आप एक जगह से दूर भगाओगे टिड्डियों को तो वो कहीं दूसरी जगह जाकर हमला कर देंगे। लेकिन एक और दोस्तों बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन है जो पाकिस्तान में टेस्ट आउट किया गया। पाकिस्तान के ओकारा डिस्ट्रिक्ट में एक छोटे से स्केल पे सॉल्यूशन टेस्ट आउट किया गया। बेसिकली इन्होंने किसानों को कहा कि आप ट्रैप करो इन टिड्डियों को और कलेक्ट करके हमें लाकर बैग में दो, हम इसके बदले आपको पैसे देंगे, और हम इन टिड्डियों को मिल करके इन्हें चिकन फीड में इस्तेमाल करेंगे, यानी चिकन्स को खाना खिलाने में, चिकन्स का बेसिकली ये खाना बन जाएंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स होते हैं दोस्तों टिड्डियां। अब ये सॉल्यूशन बहुत ही इनोवेटिव है, सोचकर देखो, किसानों को भी मुनाफा मिल रहा है यहां पर, पैसे मिल रहे हैं कलेक्ट करने के इनके बदले, और यहां पर भी मुनाफा जनरेट हो रहा है जब चिकन्स को एज अ फीड इस्तेमाल किया जा रहा है। इस सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट करने के लिए दोस्तों यहां पर क्रेडिट जाता है मोहम्मद खुर्शीद को, एक सिविल सर्वेंट है पाकिस्तान में मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च में, और जोहार अली, एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के। इनका ये आइडिया था पहले, और ये कहते हैं कि जब हमने पहले आइडिया बताया सबको तो सब लोग हंसने लग रहे थे, किसी को लगा नहीं कि ये सीरियसली एक्चुअली में आइडिया इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो मैथ्स क्या है इस आइडिया के पीछे, मैथ्स ये है दोस्तों, इनका कहना है कि पहली बात तो किसान नेट लगाकर इन्हें आसानी से पकड़ सकते हैं, और रात में ये टिड्डियां हवा में नहीं उड़ती, तो रात में बस बड़ी आसानी से इन्हें पकड़ा जा सकता है। इनका कहना है कि पर केजी
ये किसानों को जब वो बैग्स में लाकर कलेक्ट करके देते हैं टिडिया, तो पर केजी ये 20 पाकिस्तानी रुपया देते हैं। इंडिया में ये हो गया अराउंड 9 रुपए पर किलो किसानों को दिया जा रहा है जब वो ये कलेक्ट करके ला रहे हैं। और इनका कहना है कि एक रात में एक किसान जितने टिडियों को कलेक्ट करके ला सकता है उसे उसके बदले 20,000 पाकिस्तानी रुपया यानी करीब करीब 9,000 इंडियन रुपीज मिल सकते हैं इस काम के। इनका कहना है कि एनिमल फीडिंग इंडस्ट्री के लिए भी ये टिडियां एक प्रॉफिट है, क्योंकि जब ये टिडिया एज ए चिकन फीड इस्तेमाल करी जाएंगी तो इनमें 70% प्रोटीन होता है एज कम्पेयर टू सोयाबीन्स, जो एट प्रेजेंट चिकन फीड में इस्तेमाल किया जाता है उसमें सिर्फ 50% प्रोटीन होता है। इतना ज्यादा हाई मात्रा प्रोटीन की, और सोयाबीन पाकिस्तान एक्चुअली में इंपोर्ट करता है बाकी कंट्रीज से, तो पाकिस्तान एज ए कंट्री के लिए भी ये मुनाफा है कि वो इंपोर्ट नहीं कर रहा, तो फॉरेन एक्सचेंज में भी पाकिस्तान के पैसे बच रहे हैं, एनिमल फीडिंग इंडस्ट्री के भी पैसे बच रहे हैं इस चीज को टिड्डियों को यूज करने से यहां पर। तो ये एक डिस्ट्रिक्ट में कुछ गांव में टेस्ट आउट किया गया था, बहुत ही सक्सेसफुल आइडिया रहा, अब इसे लार्ज स्केल पे इंप्लीमेंट करने की बात करी जा रही है, और मुझे लगता है कि इंडियन फार्मर्स भी इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब यहां पर मुझे एंटी नेशनल मत बोलना शुरू कर देना कि देखो पाकिस्तान का आइडिया लेकर आ रहा है, ये एंटी नेशनल होगा। मैं यहां पे बताना चाहूंगा आरएसएस के लोग भी यहां पर कह रहे हैं कि इस आइडिया से इंस्पिरेशन लो अगर ये आइडिया सक्सेसफुल होता है, तो एंटी नेशनल वाली बात नहीं है ये। इनका कहना है कि जो भी आइडिया किसी भी कंट्री में जहां पर अच्छा काम करता है तो हमें जरूर उससे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। तो मेरा भी यहां पर यही मानना है कि ऑब्वियसली अगर कोई आइडिया इतना अच्छा इंटरेस्टिंग है इनोवेटिव है और काम कर रहा है तो हमें भी ये आइडियाज ट्राई आउट करने चाहिए। एक आखिरी पांचवें सॉल्यूशन को भी मैं डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ, क्योंकि बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। पांचवा सॉल्यूशन है कि इंसान टिड्डियों को खुद ही खाने लग जाए, एज अ प्रोटीन सोर्स हम खुद ही खाने लग जाए उसे। ये एक ऐसा सॉल्यूशन है दोस्तों जो हिस्टोरिकली काफी एरियाज में ऑलरेडी प्रैक्टिस होता आया है, मिडिल ईस्ट में, अफ्रीका में लोग जब पुराने जमाने में ये प्लेग्स होते थे लोकस्ट के तो ये लोग खा लेते थे उसे, क्योंकि ये सारे क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देते थे तो लोगों के पास खाने के लिए कुछ बचता नहीं था। और कोइंसिडेंटली बात ये है कि ये काफी अच्छा प्रोटीन सोर्स निकला और बहुत लोग इसे अच्छा ऑप्शन यूज कर पाए खाने के लिए। इसराइल में आज के दिन भी टिड्डियां एक बड़ी पॉपुलर डिश है, कई रेस्टोरेंट्स में यहां पर मिलती है और लोग खाना पसंद करते हैं, और शायद यही रीजन है दोस्तों क्योंकि हिस्टोरिकली लोग इसे खाते आए हैं कि मुस्लिम कल्चर में टिड्डियों को हलाल कंसिडर किया जाता है और ज्यूइश कल्चर में टिड्डियों को कोशर कंसिडर किया जाता है। कोशर दोस्तों जैसे हलाल होता है, ज्यूइश का अपना ईटिंग रिचुअल है जैसा मुस्लिम्स का ईटिंग रिचुअल होता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है देखना कि कैसे इन्हें लोग खाते आए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज के दिन ये इतना पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि इन पे इतने पेस्टिसाइड छिड़के जाते हैं कि इन्हें खाना आपकी हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकता है। और एनीवेज ये कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है, एक बड़ा सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि अगर आप इन्हें खाओगे भी तो इतने कितने खा सकते हो आपकी इनकी पॉपुलेशन कम हो जाए, इनके स्वॉर्म्स इतने बड़े हैं कि खाए नहीं जा सकते सब कुछ। तो बाकी वाले सॉल्यूशन पे फोकस किया जाए तो वही बेहतर है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, एजुकेशन लगा होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/dhruvrathi पर या YouTube पर मेंबर बनकर ज्वाइन बटन क्लिक करके, ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियोज मैं आपके लिए फ्यूचर में बनाते रहूं। मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा यहां पर मेरे पेट्रियन सपोर्टर्स का और यूट्यूब मेंबर्स का, जिनकी वजह से ये वीडियोज मैं बना पाता हूं और ये पूरा यूट्यूब चैनल चलता है। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।